सरकार लाख दावे कर ले कि देश बदल रहा है, लेकिन इन बच्चों को देखकर यह तब बातें बेमानी हो जाती हैं जब देश का भविष्य अपना वर्तमान कचरे में ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। यह वह अभोग लोग हैं जिन पर ना तो सरकार की और ना ही सरकार के सिपहसालार की नजर पड़ी है। इन बदनसीब के सर पर ना तो छत है और ना ही पेट भरने के लिए भोजन। जब RBI9 न्यूज संवाददाता एन अंसारी ने कचरा उठा रहे इन बच्चों से पूछा कि कचरा क्यों उठा रहे हो, तो एक बच्चा बोला कि इसको फेंक दे क्या, लेकिन आप खाना दोगे ना, भूख लगी है ना, इसलिए यह कचरा उठा रहा हूँ। प्रश्न मेरा सही था या प्रश्न बच्चे का, यह खुद एक प्रश्न है। कचरे के ढेर में जब तक जिंदगी के जद्दोजहद से झूलता रहेगा वर्तमान, तब तक कभी न सुधर सकेगा देश का भविष्य। सरकार के वादे साबित तो होते रहेंगे खोखले और सरकारी मशीनरी पर उठते रहेंगे सवाल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभी आप देखें कि गरीब बच्चे पूरा बिंद रहे थे, जो देश में विकास के इतने वादे किए जा रहे हैं, उन पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, उसके बाद भी अगर भविष्य हमारा देश का पूरा बिंद है, तो क्या कहेंगे आप? जितने भी वादे हो रहे हैं सर, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, वादे सब इनविजिबल है, वादे सब इनविजिबल है। वादे तो सिर्फ आप हवा हवाई में जिस तरह आंधियां बह रही उसी तरह वादे आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, वादे आ कहाँ रहे हैं हमारे सर? क्या आज गरीब बच्चों को अभी आप देखे हैं, क्या लगा है, दुख हुआ है? बहुत दुख हुआ है, उनको देखने पे यही तो हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी लगाई जा रही है, आम आदमी पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन ये पूरा बीनने वाले पे किसी की नजर नहीं जा रही है। लोग पुलिस को बाहर हटा